नमस्कार बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसमें अपना टॉपिक चल रहा है जर्नल। अब जर्नल में कुछ एक एंट्रियाँ मैंने आपको करवाई थी और कुछ एक एंट्रियाँ हमने आज करेंगे। तो पहले देखो, वही जर्नल का प्रारूप बनाते हैं अपने। तो ऊपर क्या लिखते हैं, वही जर्नल ऑफ लिख के आगे उसका नाम लिख देते हैं। जिसकी भी जर्नल अपने बनाते हैं, जर्नल ऑफ राम निवास, जर्नल ऑफ राम, जो भी है उसका नाम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका प्रारूप बनाना है। पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर एक एलएफ का कॉलम, फिर अमाउंट का। डेबिट और क्रेडिट। अब देखो, हमने इसमें कुछ एक एंट्रियां कर ली। वो एंट्रियां कौन सी थी, एक तो जब साझे कोई व्यापारी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करे, माल खरीदने की, नगद खरीदने की, उधार खरीदने की, माल बेचने की, नगद बेचने की और उधार बेचने की, जब सेल्स रिटर्न हो जाए, जब परचेज रिटर्न हो जाए, वो एंट्री हमने कर ली थी यहाँ तक। या फिर कोई एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो, वो एंट्री भी कर ली। अब देखो, जिन व्यक्तियों को अपने उधार माल बेचते हैं या जिन व्यक्तियों से अपने उधार माल खरीदते हैं, उधार का मतलब फ्री नहीं होता, क्योंकि वो अमाउंट आपको बाद में पे करनी पड़ती है, या फिर जिसने हमसे ख़रीदा उसे पे करनी पड़ती है। तो अमाउंट पे करनी है, कई बार ये होता है कि पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं, कई बार ये होता है कि पेमेंट कम करते हैं। कम करने के तीन कारण होते हैं, पहला ये कि वो बाकी बचा हुआ बाद में देंगे, दूसरा ये कि वो जितना कम दे रहे हैं वो डिस्काउंट हो गया, और तीसरा ये कि वो व्यक्ति जो रुपए चुका रहा है वो दिवालिया हो गया और दिवालिया होने के कारण कम पैसे दे रहा है। अब हमें, मान लो जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं या हमें जिस व्यक्ति को पैसे देने हैं, हमने मान लो पूरा पेमेंट कर दिया उसे, हमने पूरा पेमेंट कर दिया या हमारे देनदार ने हमें पूरा पेमेंट कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब आती है, अगर वो पेमेंट कम करें, तो पेमेंट कम करें तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जितना उसने कम चुकाया वो बाद में चुकाएगा या फिर वो और नहीं चुकाएगा, और या फिर वो दिवालिया हो गए तो चुका नहीं पा रहा। तो पहला, अगर आ जाए कि उसने 10,000 रुपये चुकाए, मान लो मैं किसी व्यक्ति से 15,000 लेने थे और 15,000 की जगह ऐसा सिद्ध आ गया कि 10,000 चुकाए, तो उसका मतलब ये कहते नहीं कि वो 5,000 नहीं चुकाएगा, उसका मीन होता है कि वो 5,000 रुपये बाद में पेमेंट कर देगा। अगर मान लो उसको ऐसे आ जाए कि हमें उसे 15,000 रुपये लेने हैं और उसने पूर्ण भुगतान में 14,500 रुपये चुकाए हैं, पूर्ण भुगतान में कितने चुकाए हैं, 14,500, तो फिर पूर्ण भुगतान में 14,500 चुकाए तो 500 रुपये वो कम दे रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो 500 रुपये वो डिस्काउंट के रूप में काट रहा है, यानी डिस्काउंट है और वो 500 रुपये नहीं देगा, और वो क्या है, डिस्काउंट है। तीसरी बात ये कहे कि उसने दिवालिया होने के कारण कम चुकाए,
और मान ये मान लेते हैं कि दिवालिया वगैरह आधी राशि चुकाई है, उससे 15,000 लेने थे, उसने 7500 चुकाए हैं, तो आप 7500 रुपये को क्या मानोगे? भी 7500 रुपये डूब गए हमारे, बैड डेब्ट्स हो गया। तो तीन सिचुएशन देखनी पड़ती है कि बच्ची राशि को ये मान लें कि वो बाद में देगा, बच्ची राशि को डिस्काउंट मान लें, या फिर बच्ची राशि को बैड डेब्ट्स मान लें। वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि आप उसे क्या मानो। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सीधा कह दिए इतने रुपए चुकाए, तो ये मान लेना शेष राशि वो बाद में दे देगा। अगर मान लो ये कहे कि उसने पूर्ण भुगतान में या फुल सेटलमेंट में इतनी चुकाए हैं, तो शेष को क्या कर लेना? डिस्काउंट मान लेना। या फिर वो ऐसे कहे कि उसने दिवालिया होने के कारण कम चुकाए हैं, तो आप उसे बैड डेब्ट्स मान लेना। अब तीनों परिस्थितियों में एंट्री कैसी होगी देखो। पहले मान देते हैं अपने देनदारों द्वारा पूर्ण भुगतान होने पर, यानी जितने रुपए हमने उसमें मांगते हैं वो पूरा का पूरा चुका दिया, जितने रुपए हमें उससे लेने हैं उन्होंने क्या कर दिया, वो राशि पूरी की पूरी चुका दी। तो फिर आपको सिंपल एंड, जब देनदार हमें पैसे देगा, देनदार वो व्यक्ति होता है जिसको अपने उधार माल बेचते हैं, तो वो क्या करेगा, हमें बाद में पैसे देगा। बाद में पैसे जब देगा तो बिजनेस में आएगा क्या? कैश। और देने वाला कौन हुआ? मैं देनदार। तो जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे क्या करना है? आपको डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे दो खाते प्रभावित हो गए अपने। एक तो कौन सा खाता प्रभावित हुआ? एक तो अपना हो गया देनदार खाता। और देनदार खाता कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता। एक तो व्यक्तिगत खाता हो गया, एक कैसा ही है वस्तुगत खाता हो गया। तो पहले देखो वस्तुगत खाता कब डेबिट होता है? जब कोई वस्तु बिजनेस में आती है। तो इसमें हमें क्या किया है? देनदारों ने कैश दिया है। देनदारों ने कैश देने का मतलब हमारे पास पैसे आए हैं, हमारे पास पैसे आए हैं। तो जो चीज़ आती है उसे क्या करना? आपको डेबिट करना है। तो कैश को तो क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। देने वाले यहाँ पे कौन हुआ? डेटर हुआ। तो टू डेटर करेंगे। तो देनदारों द्वारा जब पूर्ण भुगतान हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश को क्या करना? आपको डेबिट। और देने वाला कौन हुआ? वह डेटर हुआ। तो जो व्यक्ति रुपए देता है, टू डेटर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री होगी जब देनदारों से पूर्ण राशि प्राप्त हो जाए। अगर पूर्ण ना हो, आधी भी होगी और कुछ नहीं लिखा, तो भी आपको ये एंट्री करनी है, ये मानते हुए कि आधी राशि जो बच गई है उसका पेमेंट हमें बाद में हो जाएगा। जो आधी राशि बच गई है क्या है? उसका पेमेंट बाद में होएगा, फिलहाल उसने इतना ही पेमेंट किया है। एंट्री क्या बनेगी अपनी? कैश अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। रिलेशन क्या होगा इसका? रिलेशन करना पड़ेगा बीइंग कैश रिसीव्ड बाय ए कस्टमर, कस्टमर लिख दो चाहे डेटर लिख दो, बीइंग कैश रिसीव्ड बाय ए कस्टमर। और अगर मान लो उस कस्टमर का नाम दिया हुआ है तो डेटर की जगह क्या करेंगे? उस कस्टमर का नाम लिख देंगे। तो एंट्री क्या बनी अपनी? देनदारों द्वारा जब पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट, जब देनदारों द्वारा पूर्ण भुगतान हो गया। अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में बराबर बराबर आएगी, तो कैश टू डेटर हो गया। ये तो कब करना है? जब पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाए या कुछ कम राशि प्राप्त हो लेकिन उसका कारण नहीं दे रखा हो। अगर ऐसा दे दिया आपको, देनदारों द्वारा बट्टा काट कर शेष राशि प्राप्त होने पर, देनदारों द्वारा बट्टा काट कर शेष राशि प्राप्त होने पर, बट्टा तो काट लिया, जैसे मान लो मैं किसी देनदार से 15,000 रुपये लेने हैं, आपको ये कह दे
कि उसने 2000 रुपये बट्टा काट कर 3000 रुपये की राशि दी है। उसने क्या किया है, 2000 तो बट्टे के काट लिए और सॉरी शेष राशि 13000 जो बच गए, हमें उसे 15 लेने थे 13 बच गए, वो उसने राशि दे दी। या फिर ऐसे कहते पूर्ण भुगतान में उसने 13000 दिए हैं, उसको पूर्ण भुगतान मतलब है भुगतान तो वो पूरा मान लेगा लेकिन देगा 13 ही, तो शेष राशि को आपको वहाँ पर क्या मानना पड़ता है, डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट जिसकी अपने एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि ये भुगतान के समय दिया गया है, इसलिए इसे कैश डिस्काउंट मानेंगे। और कैश डिस्काउंट की प्रविष्टि होती है, कैश डिस्काउंट की क्या होगी, एंट्री होगी, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो कौन सा है, कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की अपने प्रविष्टि नहीं करते लेकिन कैश डिस्काउंट की आपको प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो देनदारों द्वारा हमें जो रुपए लेने हैं उसमें से अगर उसने बट्टा काट लिया और शेष राशि प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री आपको ये करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, देने वाला तो वही डेटर है, उसका नाम हो तो नाम लिख देना, नाम नहीं हो तो टू डेटर्स अकाउंट कर देना, अगर नाम नहीं हो तो क्या कर देना, टू डेटर अकाउंट कर देना। तो देनदारों द्वारा जब बट्टा काट कर शेष राशि प्राप्त होगी तो उसकी एंट्री क्या करनी है, जितने प्राप्त हो कैश अकाउंट, जितना कम प्राप्त हो वो कहाँ पे डाल देना, डिस्काउंट में, और जितने रुपए उसे टोटल लेने थे वो डेटर में। अब बात ही आती है, ये मान लेते हैं कि उसे अपने 10000 रुपये लेने थे, उसने 1000 का बट्टा काट कर शेष राशि 9000 रुपये दे दी, 10000 में से क्या 1000 तो उसने बट्टा काट लिया और शेष कितने रुपए दे दिए, 9000 रुपये। तो कैश तो हमें कितना प्राप्त हुआ, कैश हमें 9000 आया, तो कैश के सामने 9000 आएगा। अब ये देखना है ये डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए लॉस है या फिर प्रॉफिट है, भाई डिस्काउंट तो दे दिया हमने, ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है या फिर प्रॉफिट है। तो फिर उसमें क्या करना, आपको हमें मिलने थे रुपए 15000 या 10000 और उसने कम दिए, तो हमारे लिए जिसके अपने जनरल बना रहे हैं उसके लिए लॉस हो गया। और लॉस के लिए मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में क्या होएगा, नॉमिनल अकाउंट लॉस में डेबिट होता है, तो ये क्या करोगे, आपने अपने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया टू डेटर। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कैश के सामने 9000 आ जाएंगे, डिस्काउंट को भी हमने क्या किया, डेबिट किया और टू डेटर। अब इसमें तीनों खाते प्रभावित हुए हैं, कैश वस्तुगत खाता है, डिस्काउंट आनी है तो नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाता है, और डेटर यानी व्यक्ति हो गया इसलिए व्यक्तिगत खाता है। तो तीनों रूल चलो, व्यक्तिगत खाता व्यक्ति यहाँ पे देने वाला है तो देने वाले को क्रेडिट करो, कैश यहाँ वस्तु है और जो वस्तु बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट यहाँ पे क्या होगा, अपना खर्चा तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रिलेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, यानी फुल सेटलमेंट में हमने इतना कैश रिसीव किया है, यानी जितना लेना था उसके पूर्ण भुगतान में हमने इतना ही प्राप्त किया है, शेष वो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अगर पूरी राशि प्राप्त होगी तो कैश टू डेटर करेंगे, बट्टा काट कर कम राशि प्राप्त होगी कैश डिस्काउंट टू डेटर करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि देनदार दिवालिया हो जाता है और दिवालिया होने के कारण वो कम राशि चुका पाता है, कई बार होता है कि देनदार क्या जाता है, दिवाली हो जाता है, किसी भी व्यक्ति को दिवालिया कब माना जाता है, जब उसकी देनदारियां उसकी लेनदारियों से ज़्यादा हो जाती है, यानी उसे चुकाना ज़्यादा है और उसे लेना कम है, और उसकी संपत्तियां बेचकर भी वो पूरा पेमेंट नहीं कर सकता, तो फिर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट कर दिया जाता है, उसे दिवालिया कर दिया जाता है। उसमें अगर कम रुपए प्राप्त होंगे तो शेष को डिस्काउंट नहीं मानेंगे आप, शेष को बैड डेट्स मानना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से हमें 15000 रुपये लेने हैं और वो दिवालिया हो गया, और दिवालिया होने के कारण उसने क्या किया है, राशि कम चुकाई है, तो जितने रुपए कम चुकाए वो आपको बैड डेट्स में डालना पड़ेगा, जितने रुपए उसने
कम चुकाए उसे क्या करना, आपको बैड डेट्स अकाउंट में डालना है, और जितना चुका दिया वो कैश अकाउंट में डालना है। अब है दिवालिया होने के कारण देनदारों से कम राशि प्राप्त होने पर दिवालिया होने के कारण देनदार, यानी दिवालिया हो गया देनदार और उससे क्या हुई हमें कम राशि प्राप्त हो गई। तो दिवालिया होने के कारण देनदारों से कम राशि प्राप्त होने पर, अब जो दिवालिया होएगा मान लो किसी से 15,000 लेने, ऐसे कहे कि उसने 1 रुपये में 50 पैसे चुकाए हैं दिवालिया होने के कारण, 1 रुपये में 50 पैसे मतलब आधे रुपये चुकाए हैं, तो आधे जो गए वो कहाँ गए, आधे हैं वो क्या हो गया डूब गए, वो बैड डेट्स हो गया। तो जितने रुपये प्राप्त हुए हैं वो तो इसकी एंट्री करोगे, जितने प्राप्त हो गए कैश अकाउंट डेबिट, जितना कम प्राप्त हुआ वो भी हमारे लिए क्या हो गया लॉस हो गया, भी लेना 15,000 था दिया उसने 7500 ही है तो वो क्या हो गया लॉस हो गया। तो जितना कम चुकाया वो क्या करेंगे बैड डेट्स में डाल देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और जो हमें डेटर से लेना था वो क्या करेंगे टू डेटर में डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट। इसमें भी तीनों खाते प्रभावित हो गए, एक तो कैश प्रभावित हो गया, कैश कौन सा खाता है वस्तुगत खाता, बैड डेट्स कौन सा खाता है ये हमारे लिए आनी है नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का यह वास्तविक खाता हो गया, और डेटर है वो व्यक्तिगत खाता हो गया। तो बिजनेस में आया कैश, जितना कैश आया उसे डेबिट कर दो, जितना लॉस हुआ बैड डेट्स के रूप में उसे भी क्या कर दो डेबिट कर दो, और देने वाला यहाँ पे कौन हुआ डेटर, उसे क्या करेंगे अपने क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसा करके और एंट्री बनी कैश बैड डेट्स टू डेटर, इन दोनों का जो योग होएगा वो इस योग के बराबर होएगा। रेशन क्या करेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, ये ऐसे करो या ऐसे करो, कैश रिसीव्ड 50 पैसे इन ए रुपी काज ऑफ हिज इंसॉल्वेंसी, कि हमें देनदार से 1 रुपये में 50 पैसे प्राप्त हुए और उसका कारण क्या था कि वो दिवालिया हो गया, उसका कारण क्या था वो दिवालिया हो गया। तो एंट्री क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जितना हमें कैश रिसीव हुआ उसे कैश में डाल दिया, जितना हमें डूब गया वो बैड डेट्स में डाल दिया, और जितना हमें टोटल लेना था वो डेटर में डाल दिया। ये तो बात होगी जब हमें किसी देनदार से रुपए लेने थे। अब हम जिस व्यक्ति से उधार मार खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं लेनदार, तो हमें उसे बाद में पेमेंट करना भी होता है, तो इसी तरह से क्या करेंगे पेमेंट की एंट्रियाँ करेंगे। पहले देखो लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने पर अगर लेनदार को जितने रुपए देने हैं,
अगर हमने उसे क्या कर दिया, पूरे रुपए दे दिए, तो पाने वाला यहाँ पर वो लेनदार हुआ और बिजनेस से गया क्या कैश, तो पाने वाले को डेबिट करना है और जो बिजनेस से जाती है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट डेबिट। कोई भी व्यक्तिगत खाता है तो ये कोमा लगा के जरूर लगाना है, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने उसको अगर पूरा भुगतान कर दिया तो एंट्री क्या बनी अपनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है वो इक्वल आएगी यहाँ पे। रेशन इसका होएगा बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर, यानी लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया। अब फिर वही बात कि हमें लेनदारों को रुपए देने ज़्यादा थे और हमने कुछ डिस्काउंट काट कर उनको भुगतान कर लिया। अब जब हम डिस्काउंट काटेंगे तो वो डिस्काउंट अपने लिए क्या होएगा, हमारे लिए प्रॉफिट होएगा, क्योंकि हमने रुपए लेनदार को कम दिए हैं, और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बट्टा काट कर लेनदारों को भुगतान करने पर बट्टा काट कर लेनदारों को भुगतान करने पर, अब बट्टा काट दिया लेनदारों को क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, तो क्या करना है आपको, ये डिस्काउंट अपने लिए क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्या करना आपको, क्रेडिट करना है। और वैसे भी ध्यान रखना, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी उसके साथ ही क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी उसके साथ क्या होगा, डेबिट ही होगा। एंट्री क्या करेंगे, बट्टा काट कर लेनदारों को जब भुगतान करेंगे तो इसमें अपने भुगतान करना है, तो पाने वाला क्रेडिट हुआ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू जितना कम चुकाया वो क्या है, डिस्काउंट में डाल देंगे। ये डिस्काउंट अपने लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें रुपए कम चुकाने पड़ रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। लेसन क्या बनेगा, बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट। तो जितने तीन, इसमें तीनों खाते प्रभावित, तो एक क्रेडिटर अपना व्यक्तिगत खाता हो गया और वो हमसे पाने वाला, तो उसको डेबिट कर दिया, गया क्या कैश, तो कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है। और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी क्या होता है, इसमें क्रेडिट होएगा, इसलिए डिस्काउंट को भी क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। अब बात आगे कि अगर मान लो, जैसे पहले हमने माना देनदार दिवालिया हो जाए, अब मान लो कि देनदार दिवालिया नहीं हुआ, हम खुद ही दिवालिया हो गए, हमें किसी को पेमेंट करना है, हम खुद क्या हो गए, दिवालिया हो गए, तो हम उसे कम पेमेंट करें दिवालिया होने के कारण, तो दिवालिया होने के कारण लेनदारों को कम भुगतान करने पर यानी जब व्यक्ति खुद ही देने वाला दिवालिया हो जाए खुद ही, तो ये मान लो कि जब हमने ये वो एंट्री करी थी देनदारों से रुपए प्राप्त किए, तो देनदार भी तो कोई उसकी एंट्री करता ही है, तो देनदार किसको पेमेंट करता है, लेनदार को, तो जितने रुपए लेनदार को चुकाना है वो क्रेडिटर में डालेगा। एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और टू डेफिशिएंसी अकाउंट। नेक्स्ट क्या आएगा, बीइंग 50 पैसे पेड इन 1 रुपी काज ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी दिवालिया होने के कारण कम पैसे चुकाए हैं, तो जितने रुपए चुकाने थे वो तो यहाँ पे आ गए, कैश जितने चुका दिए और शेष हमारे लिए फायदा हो गया। तो जो फायदा होगा वो आपको कौन से अकाउंट में डालना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में डालना है। तो डेफिशिएंसी बाकी बचा हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे, ये अपने लिए फायदा है। जो व्यक्ति कम चुकाता है वो डेफिशिएंसी लिखता है, जो कम प्राप्त करता है वो बैड डेट्स लिखता है। तो दिवालिया होने के कारण जब लेनदारों को कम भुगतान किया जाएगा तो जितना भुगतान लेनदारों को करना है वो तो किस में डालेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में। जितना कर दिया वो क्या करेंगे, कैश में डालेंगे, और जितना कम किया वो कहाँ पे डालेंगे, डेफिशिएंसी में। तो अपने तीन बातें हो गई कि लेनदारों को या तो पूर्ण भुगतान कर दिया जाए, पूर्ण भुगतान किया जाए तो एंट्री क्या बनी, पूर्ण भुगतान में बनेगी अपनी क्रेडिटर टू कैश, या मान लो कम दिए बाकी बाद में देंगे तो भी फिलहाल क्या बनेगी, क्रेडिटर टू कैश, बाद में जब देंगे तो फिर क्रेडिटर टू कैश फिर बन जाएगी। अगर बट्टा काट करने के कारण कम भुगतान किया या क्वेश्चन में लिखा जा जाए कि पूर्ण भुगतान में इतना ही दिया है, तो फिर उसकी एंट्री क्या होगी, जितने रुपये उसे देने हैं वो लिखेंगे डेटर में, जितने दे दिए वो लिखेंगे टू कैश, और जितना कम दिया वो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। तीसरी बात होगी कि अगर मान लो देने वाला खुद ही दिवालिया हो जाए और वो कम पैसे चुकाए तो वो भी तो खुद एंट्री करेगा जब पैसे चुकाएगा, तो जितने रुपए देने हैं वो क्रेडिटर में डाल देना, जितना दे दिया वो कैश में डाल देना, और जितना कम दिया वो डेफिशिएंसी में डाल देना। ये अपनी एंट्रियाँ होगी कुछ एक, और बाकी खूब सारी एंट्रियाँ वो भी बाद में करेंगे। अब कल अपने जितनी एंट्रियाँ कर ली है पहले उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।